हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको और आपके परिवार को भिंडी की सब्जी खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये वाली भिंडी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो भिंडी है ये आपकी झटपट रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 kg भिंडी ली है, जिसे मैंने वॉश कर लिया है और सूखने के बाद इसे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, 8 से 10 कड़ी पत्ता और जीरा लिया है। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गरम हो जाता है हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाता है हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। तो मैंने प्याज को बड़ा बड़ा कट कर लिया है, आपको भी इसे ऐसा ही कट कर लेना है जिससे आपकी भिंडी में अलग ही स्वाद आता है। जैसे ही आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं उसमें हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। तो आप देख सकते हैं मेरे जो प्याज है वो हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 10 से 8 हरी मिर्च कटी हुई लिए हैं। इसे आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मेरा प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैं डालूंगी सबसे पहले नमक। नमक आप भिंडी के पकने के बाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भिंडी है वो धोने के बाद, सुखाने के बाद कट की है, तो मैं नमक इसमें पहले डालूंगी जिससे मेरे भिंडी में थोड़ा सा पानी छूटे। सो मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई भिंडी। सो यहाँ मैंने भिंडी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए है इक्वली। आप आपके मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हो। इसे आपको थोड़ा सा पतला पतला कट कर लेना है। भिंडी मैंने अच्छे से धो के उसके बाद उसे सुखाया है 1-2 घंटे, उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। अगर आपकी भिंडी गीली रहती है तो ये चिपचिपी बन जाएंगी। इसे आपको अच्छे कपड़े में सुखा लेना है, उसके बाद कट कर लेना है अगर आपके पास टाइम ना हो तो। भिंडी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें जिससे मसाले अच्छे से लग जाएं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी गार्निशिंग के टाइम डालेंगे। इससे अच्छा स्वाद आ जाता है सब्जी में। अब डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर जिससे आपकी जो भिंडी है वो थोड़ी सी चटपटी लगेगी। धनिया पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ढक लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट मेरे हो चुके हैं। अब हम भिंडी को चला लेंगे एक बार, देखेंगे कि भिंडी पकी है या नहीं पकी है। सो आप देख सकते हो भिंडी को आपको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। भिंडी को पकने के लिए 20 मिनट लगते हैं, इसे मैं और 10 मिनट अच्छे से पका लूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, फिर से हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। सो मेरी भिंडी जो है वो
ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसे मैं और थोड़ा 5 मिनट ढक के पका लूँगी। सो मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, आप मेरे भिंडी का कलर देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब इसे मैं सर्व करूँगी। तो गर्मा गर्म भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया। सो मेरी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी भिंडी कैसी बनी है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।